थैंक यू बोथ, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा बहुत लंबा दिन रहा है, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, एंड फटीग भी होगी, थकान भी काफ़ी होगी, लेकिन जब आप ओलंपिक पोडियम पे खड़े होते हो तो थकान शायद थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पूरा हमने 5 साल से पूरा वेट करके आया है, मेहनत करके आया है, सब कुछ छोड़ के हमने ट्रेनिंग में फोकस करके आया है, तो आज ओलंपिक की पोडियम में खड़े होने की टाइम तो मैं सब भूल गई हूँ खुशी से तो इसी को ही हमारे सपने थे तो पूरा हो गया जी। आप मुझे एक चीज बताइए, कंपटीशन में आप गए थे मेडल जीतने के लिए, और जो आपने परफॉर्मेंस दिया मेरा भाई, द परफॉर्मेंस दैट यू गेव दैट डिलीवर्ड अ मेडल, इससे कितनी खुशी है कि जिसके लिए आपने ट्रेन किया था आपने वो अचीव किया? हाँ, मेडल को छोड़ के मैंने परफॉर्मेंस दिया था तो मैं ये बहुत ही खुशी हूँ कि जब मैं लिव करने जाते हैं तो उस टाइम मैं सोचती हूँ कि मुझे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मेडल तो अपना आप आ जाएगा, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तो वही सोच के मैं स्टेज में जाती हूँ कि जो मेरा लिव दिया है, वेट दिया है सर ने, तो उसी को ही मैं पास करना है। मीरा तो काफी स्माइल कर रही है, लेकिन विजय जी आप अभी भी वो मुस्कान नहीं दिख रही है मुझे, ये आप दोनों की जर्नी है, दिस इज अ जर्नी ऑफ बोथ ऑफ यू, हाउ सैटिस्फाइड एज अ कोच आप हैं? देखिए, सेटिस्फाइड तो कोई भी कोच होगा, आज इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन का कोई दिन हो नहीं सकता लाइफ में जो आज हमारे लिए हुआ है। हमें मतलब इससे ज्यादा खुशी का दिन कोई लाइफ में शायद आएगा नहीं। थोड़ा सा थक गए हैं तो वो चेहरे पे है, कल से टेंशन में है और कुछ नहीं, इसके अलावा तो खुशी तो बहुत है। ओके मीरा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछने के पहले हमें मेडल दिखाइए, शो अस द मेडल, वी नीड टू सी द ओलंपिक सिल्वर मेडल, द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया। Yes, there you have it on your screens, the medal. That is what these sportspersons train all their lives. They train all their lives for that, just that one moment to stand on the Olympic podium. Isse Rio ki yaadein kaise aapne mita di? Rio mein aapke liye ek, it was a setback for you, Mirabai. Lekin aapne wo 5 saal aapne focus nahi choda. Aaj ye jab medal around your neck hai, wo sab aapne bhula diya finally? हाँ, सच बोलूँ तो मैंने रियो से बहुत सारी सीखी है, मुझे क्या करना है, क्या कमी है मेरे अंदर में, तो काफ़ी दुखी भी हुई थी क्योंकि हमने रियो के लिए बहुत ही मेहनत किया था, ट्रेनिंग हमने बहुत अच्छा किया था, तो उसी दिन मेरा दिन नहीं थी तो इसलिए हमारी मेडल मिस हो गई, तो काफ़ी दुखी हुई थी। मैं ऐसा सोच रहे थे कि क्या कमी हो गई थी, मैं क्यों नहीं कर पाया, हमारे मेडल क्यों मिस हुआ, तो ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे मन में, बहुत दुखी थी। तो उसी के बाद सर ने मुझे बहुत समझाया, फैमिली ने और सारी फेडरेशन का सहदेव सर ने मुझे बहुत समझाया था कि अभी आप यंग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे ही मुझे बाद में भी मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं, हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, जो हो गया है वो भूलने का सोचना है मुझे, तो आगे के मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप थे तो इसी को मैंने फोकस करके आया था, तो वर्ल्ड चैंपियन बनी मुझे, तो इसके बाद मैं धीरे धीरे ट्रेनिंग में भी चेंज किया और मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा होने लगी थी, तो सब ऐसे ही धीरे धीरे उसने 18 मेडल लिया, ऐसे ही 19 सब कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड और द द्रोणाचार्य अवार्ड विच इज फॉर कोचिंग आफ्टर दे विन ओलंपिक मेडल्स, बट इन योर केस, इन मीराबाई केस, आपने ये पहले ही अचीव कर दिया, क्या ये एक क्राउनिंग ग्लोरी है आपके सॉर्ट ऑफ जर्नी का इतने साल का, कि एक ओलंपिक मेडल जो इंडियन वेटलिफ्टिंग में 21 इयर्स का वेट था, आज आप लोग ने ये कर दिखाया, और दूसरी बात कि मीराबाई को उस फेस से निकाल के यहाँ एक चैंपियन बनाने में जो जर्नी रही है, इसके बारे में हमें बताइए। ये जो मीराबाई को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला और उसी दिन सेम ने मुझे भी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, वो एक हम दोनों के लिए बूस्टअप था। वो अवार्ड ने एक बूस्टअप का काम किया, हमने और ज्यादा मेहनत करने के का की प्रेरणा मिली उस अवार्ड से हमें, कि हमें और ज्यादा मेहनत करनी है और ओलंपिक का मेडल लेना है। जो रियो की कसक थी वो आज पूरी हुई है, जो एक चीज हमारे से छूट गई थी आज हमें वापस मिल गई।
तो वो जर्नी जो है 5 साल की रही, लेकिन वो 5 साल में हमने और भी काफी कुछ अचीव किया है। जैसे कॉर्नल गेम्स में हमने रिकॉर्ड किया, कॉर्नल गेम्स रिकॉर्ड किए, वर्ल्ड चैंपियन बने, और उसके अलावा एशियन चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। तो एक ड्यूअल लंबा प्रोसेस है, मेहनत करते गए मीरा ने, बहुत डिटर्मिनेशन और बहुत लगन के साथ काम किया, बहुत ईमानदारी से किया, जो बहुत कम प्लेयर करते हैं, और उसका रिजल्ट है कि आज हमें ये मिला। और जहां तक रहा वो एक डिप्रेशन से बाहर निकलने की बात, तो ये मैंने काफी बार मीडिया में बताया कि मीरा जो है बहुत मेंटली स्ट्रांग है, और प्लेयर्स को प्रेरणा लेनी चाहिए कि सेटबैक लाइफ में आते रहते हैं, उनसे हारना नहीं है, और हम किसी भी सेटबैक से उभर के कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से।